आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इसमें बताने वाले हैं यूथ फॉर लाइफ यानी कि युवा लाइफ वॉरियंटर के बारे में, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने से पहले इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। इसमें आपको कोई मासिक देय भत्ता नहीं दिया जाएगा, ना कोई आपको मानदेय दिया जाएगा। इसमें आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। आवेदन भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जिसमें आपको प्राप्त होंगे कि प्रशिक्षण में उपस्थित सभी, अगर आपका प्रशिक्षण के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको यात्रा का भत्ता एवं दैनिक भत्ते की निश्चित राशि ऑनलाइन माध्यम डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे आपको युवा लाइफ वॉरियंटर का आवेदन किस प्रकार से करना है, हमने 8 दिन पहले इसका वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे युवाओं ने इसका फॉर्म भी डाला है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आए, ज्वाइन हुई है, मुझसे पूछिए कि हमारा ये समस्या आ रही है, मैं आपको बिल्कुल आपका सॉल्यूशन दूंगा, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि इसमें कुछ और जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, यूथ फॉर लाइफ युवा लाइफ वॉरियंटियर, ठीक है, लाइफ वॉरियंटर के आवेदन हेतु नियम एवं प्रक्रिया। तो चलिए समझते हैं नियम एवं प्रक्रिया, इसे पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसलिए इसे पूरा पढ़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान ग्लासगो में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के सामने जीवन शैली में बदलाव हेतु मिशन लाइफ का प्रस्ताव एक समाधान के रूप में रखा था। इसके पश्चात अक्टूबर 2022 में केवड़िया गुजरात से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में मिशन लाइफ का ग्लोबल लॉन्च किया गया। मिशन लाइफ का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन के शैली में परिवर्तन लाकर पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करना तथा सामान्य जनों को उनके दैनिक जीवन में पर्याप्त हितोषी बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना है, जो जलवायु परिवर्तन में चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 23 मार्च 2023 को आयोजित युवा महापंचायत में व्यक्त किए गए संकल्प बिंदु क्रमांक 17 लाइफस्टाइल फॉर इन्वॉल्वमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली हेतु युवा नेटवर्क विकास में तत्पर यूथ फॉर लाइफ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरंभ किया गया है। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाइफ वॉलंटियर स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा, उन्हें मिशन लाइफ के अनुसार कार्य करना होगा। ऊर्जा की बचत एवं नवीनीकरण, ये 7 पॉइंट पर आपको काम करना होगा, ठीक है। 7 पॉइंट क्या, ऊर्जा की बचत एवं नवीनीकरण, जल की बचत एवं संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हितोषी करना, घरेलू कचरे में कमी लाना, स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाना, सतत एवं स्वास्थ्य भोजन पद्धति को बढ़ाना, ईवेस्ट उचित करना। आयता मतलब लाइफ वॉलंटियर स्वयंसेवी का आवेदन है तो निम्न आयता मतलब इसमें क्या क्या जरूरी है। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अधिकतम आयु 29 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। पंजीयन की प्रक्रिया का आवेदन हेतु पंजीयन हेतु आप www.epco.mp.gov.in mp.civil.gov.in पर या अन्य शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में स्व विवरण, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी जाना आवश्यक है। बात कर लेना आवेदन की अंतिम तिथि क्या, अंतिम तिथि 30 मई रखी गई है। प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा योग्य आवेदकों का चयन कर सूची कार्यपालन संचालक इसको को प्रेषित किया गया, मतलब ये आवेदन चयन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदनों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अपने जिले के ऐसे युवाओं को जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं को भी अपने स्वयंसेवी में नामांकित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से कुल 1 जिले से केवल 35 लाइफ वॉरियंटर को चयनित किया जाएगा। जिला स्तर पर चयन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि यथासंभव शहरी ग्रामीण क्षेत्र में तथा महिलाओं पुरुष प्रतिभागियों को संतुलन बना रहे। नियमावली मतलब इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, इसमें आपको आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, एवं चयनित लाइफ वॉलंटियर का प्रशिक्षण कार्य भी पूर्णतः निःशुल्क, आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उपस्थित, ये पॉइंट मेन है दोस्तों, ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सेकेंड वाला पॉइंट, प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की निश्चित राशि ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
प्रशिक्षण के दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था एफको अथवा आयोजक संस्था द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण स्थान एवं तिथि की सूचना आपको जिला प्रशासन एवं चयनित प्रतिभागियों को व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। प्रशिक्षण का ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। चयनित लाइफ ओरिएंटर के लिए मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण एवं समन्वय संगठन पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा। लाइफ ओरिएंटर को पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभवी एवं विषय निश्चित धन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत सभी प्रतिक्षाणियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लाइफ ओरिएंटर को किसी प्रकार का वेतन और मानदेय नहीं दिया जाएगा। किसी भी विवाद से अथवा स्पष्टता की स्थिरता में कार्यपालन संचालक को भोपाल का निर्णय अंतिम है। ये विशेष नोट है कि इसे आप जरूर पढ़िए। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइव ओरिएंटर कोई रोजगार मूलक या आजीविका संबंधित कार्यक्रम नहीं है। जो युवा साथी स्वेच्छा से समाज में पर्यावरण के प्रति जन चेतना लाने में योगदान देना चाहते हैं तथा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, परिवर्तन के बाहक के रूप में भूमिका का निर्माण करना चाहते हैं, उन युवाओं को प्रशिक्षण हेतु किया जाए। ये QR कोड कर भी आप इसे लिंक ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने आप आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप स्पष्ट होंगे। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसमें आवेदन कैसे करना है ये आपको फुल बताया है, फुल डिटेल के साथ मैंने बताया है। ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों जरूर से आप आवेदन करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में जाएगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे जय 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 भारत माता।